भाई वाह, मेरा एरियर तो बन गया 1,25,000 रुपये से ऊपर। आपका कितना बना है? नहीं मालूम तो इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय चौरसिया। इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको 7वें वेतनमान का एरियर कितना मिलेगा और इसे आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो में बताए गए स्टेप को फॉलो करना है। ध्यान दीजिए, अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आप अपना एरियर पत्रक सही तरीके से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और साथ ही ऑप्शन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हमारे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई 2018 से अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाकर 7वां वेतनमान दिया गया है। 7वां वेतनमान का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। 1 जुलाई 2018 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया है, परंतु इसका नकद लाभ 2019 से दिया गया है। किसी ज़िले में नवंबर में तो किसी ज़िले में दिसंबर में अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया है। अब ऐसे में 1 जुलाई 2018 से लेकर अक्टूबर, नवंबर अथवा दिसंबर 2019 तक का जो वेतन की अंतर की राशि का बकाया है, उसको एरियर कहते हैं। 1 जुलाई 2018 से अक्टूबर, नवंबर अथवा दिसंबर 2019 तक के वेतन के अंतर की राशि का भुगतान होना है, वह कितना होगा, एरियर हमारा कितना बनेगा, इसकी जानकारी पूरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर पर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जिससे कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र उपयोग कर रहा हूँ। आप जो चाहें वह ब्राउज़र खोल सकते हैं और यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप करना है एजुकेशन पोर्टल। हमारा जो शासन का एजुकेशन पोर्टल है, उसको हम सर्च करेंगे और आप चाहें तो एजुकेशन पोर्टल पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। educationportal.mp.gov.in की यह लिंक आ गई है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना। अब आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ। देखिए एजुकेशन पोर्टल का यह पेज ओपन हो चुका है और माई पेज है, माई होम है। यहाँ पर हमें पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सुविधाएं। यहाँ पर वेतन पर्ची और वार्षिक वेतन पर्ची, तो हमें वार्षिक वेतन पर्ची पर यहाँ पर क्लिक करना है। वार्षिक वेतन पर्ची पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर मंथ सेट करना है, कब से कब तक की हमें वार्षिक स्लिप चाहिए है। आपको जुलाई 2018 से जनवरी 2020 तक की यहाँ पर एनुअल पे स्लिप डाउनलोड कर लेनी है। एक्सपोर्ट एनुअल पे स्लिप इन पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ही सेकंडों में यह हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम ओपन करेंगे, लेकिन इसके पहले हम इस पेज को लॉग आउट कर देते हैं। अब एजुकेशन पोर्टल पर हमारा पूरा काम हो गया है। यहाँ से हमें सिर्फ वार्षिक पे स्लिप लेना थी। अब इस पेज को हम बंद कर देते हैं। अब हम फिर से गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे एजुकेशनल मंत्रा। जो सबसे ऊपर लिंक आ रही है एजुकेशन मंत्रा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर भी आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। मैं यहां पर एजुकेशनल मंत्रा को ओपन करता हूं और यह वेबसाइट हमारे सामने कुछ ही सेकंडों में ओपन हो जाएगी। एजुकेशनल मंत्रा वेबसाइट ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर अध्यापक सेवंथ पे का जो टैब है, इस पर क्लिक कर देना है। अध्यापक सेवंथ पे पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर दूसरे पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है अध्यापक सेवंथ पे कमीशन ऑनलाइन एरियर कैलकुलेटर, हमें यहीं पर क्लिक कर देना है।
सेवंथ पे कमीशन ऑनलाइन एरियर कैलकुलेटर पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हम जो निर्देश दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नीचे की ओर पेज को खिसकाएंगे। यहाँ पर अध्यापक सेवन पे एरियर्स का एक फॉर्म है, यहाँ पर हमें कुछ एंट्री करना है। इसके पहले हम एनुअल पे स्लिप जो कि हमने एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड की है उसको ओपन कर लेते हैं और इस एनुअल पे स्लिप से हमें कुछ जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरना है। वह जानकारी भरने के बाद हमारा एरियर प्रपत्र तैयार हो जाएगा और हमें कितना एरियर मिलेगा उसकी पूरी जानकारी कुछ ही मिनट में आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल आईडी, सही लिखें तो आपको अपनी ईमेल आईडी सही लिख देना है क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपका सेवन पे कमीशन का एरियर प्रपत्र पहुँचेगा। तो ध्यान रखें आप कि आपका ईमेल आईडी सही लिखा हो, मोबाइल नंबर सही लिखा हो और इसके बाद आपको अपना नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। इसके बाद नीचे की ओर चलेंगे तो पद हमें सिलेक्ट कर लेना है, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक। तो मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ तो मैंने अपने यहाँ पर पद लिख दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर पूछा है 1 जुलाई 2018 को प्राप्त मूल वेतन, इसको हम देखेंगे अपने एनुअल पे स्लिप में। जुलाई 2018 को हमारा मूल वेतन 14,380 रुपया था और ग्रेड पे 3600 रुपया था, तो वो हम यहाँ पर भर देंगे। 14,380 रुपया मूल वेतन, ग्रेड पे सिलेक्ट कर लेना है 3600। और इसके बाद पूछा है इन्होंने बेसिक पे अक्टूबर 2019, दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को प्राप्त मूल वेतन लिखना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखेंगे, नीचे खिसकाएंगे, अक्टूबर 2019 को मूल वेतन 14,920 रुपया है, वो हम यहाँ पर भर देते हैं। इसके बाद अक्टूबर 2019 को प्राप्त संवर्ग वेतन या ग्रेड पे तो 3,600 था, वह हमने यहाँ पर भर दिया है। इसके बाद अक्टूबर 2019 को प्राप्त महंगाई भत्ता, वो हम देखेंगे अपनी एनुअल पे स्लिप में और यहाँ पर है 28,521 रुपया, तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद अक्टूबर 2019 में एचआरए आपको कितना मिला है वह देखकर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एचआरए नहीं मिला है तो हम यहाँ पर एचआरए नहीं लिखेंगे, तो जीरो भरकर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना है आपको कि कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, आपको जीरो भरना है अगर कोई निरंक है तो। बेसिक पे नवंबर 2019 को प्राप्त मूल वेतन, फिर देखेंगे हम एनुअल पे स्लिप में तो यहाँ पर हमें 7वां वेतनमान मिल चुका था, तो 48,700 रुपये हमारा मूल वेतन है। 1 नवंबर 2019 को हमारा ग्रेड पे, क्योंकि हमें 7वां वेतनमान मिल चुका है तो हमें यहाँ पर ग्रेड पे नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पर 00 सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद नवंबर 2019 में हमें जो महंगाई भत्ता मिला है उसको हमें यहाँ पर लिखना है, तो वो हम देखेंगे 5,844 रुपये हमारा बनता है। इसके बाद है नवंबर 2019 में हमें जो एचआरए मिला है वह भरना है, अगर आपको मिला है तो ठीक है और नहीं मिला तो नहीं लिखना है, जीरो लिखेंगे। मैं देखता हूँ मुझे 539 रुपये यहाँ पर एचआरए मिला है तो वह मैं यहाँ पर भर देता हूँ। इसके बाद बेसिक पे दिसंबर 2019, फिर देखेंगे हम तो वही है जो नवंबर में थी, 48,700 रुपया। ग्रेड पे दिसंबर में नहीं मिला है तो 00 सेलेक्ट करेंगे और डीए हमारा दिसंबर में था 5,844।
और HRA दिसंबर में 539 रुपया। लास्ट एंट्री है इसमें HRA, आपको HRA कितना मिलता है, तो यहाँ पर आपको जो भी HRA की दर लागू होती है आप पर वह आप भर सकते हैं। मुझे यहाँ पर 3% HRA की दर लागू होगी तो वह मैं भर देता हूँ, और भरने के बाद यहाँ पर मुझे आपको भी यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है अध्यापक सेवंत पे एरियर फॉर्मेट आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। अब हम यहाँ पर अपना ईमेल खोलेंगे और देखेंगे कि हमारा एरियर पत्रक यहाँ पर आया है अथवा नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले एजुकेशन मंत्रा से अध्यापक सेवंत पे एरियर फॉर्मेट आ गया है 8:21 पर। मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको ओपन करूँगा। ओपन करके आपको बताऊँगा कि किस तरह का फॉर्मेट यहाँ से भेजा जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है डियर, हेलो डियर अजय कुमार चौरसिया माध्यमिक शिक्षक, आपका अध्यापक सेवंत पे एरियर फॉर्मेट संलग्न है। और अब हम यहाँ पर नीचे की ओर इस पेज को खिसकाएंगे। नेट थोड़ा स्लो है, इस कारण से समय लग रहा है। ये देखिए PDF फाइल की हम यहाँ पर एक लिंक दिख रही है, उस पर हमें क्लिक करना है। ये देख रहे हैं आप PDF फाइल में हमारा एरियर यहाँ पर बनकर तैयार होकर आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड करते हैं। देखिए पेज ओपन हो गया है और पूरा का पूरा पेज हमारे सामने खुल गया है। पूरा अध्यापक सेवंत पे का जो एरियर है वो हमारे सामने बनकर आ गया है। 124,280 रुपया हमें यहाँ पर एरियर मिलने वाला है। दोस्तों आप भी वीडियो में बताया गया स्टेप को फॉलो करते हुए इसी तरह से अपना एरियर पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है। चाहे आप इसको मोबाइल से करें अथवा कंप्यूटर से करें, बस आपको जानकारी सही भरना है। जो जानकारी आपके एनुअल पे स्लिप में है वह जानकारी आप भरेंगे तो आपका एरियर पत्रक एकदम सही बनकर तैयार होकर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।